आई होम क्वारंटाइन पर रह रही महिला की मौत के बाद कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद प्रशासन ने मृतक महिला के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है और महिला के संपर्क में आए लोगों की जांच की जा रही है। बता दें कि काशीपुर के ITI थाना क्षेत्र निवासी पति पत्नी 18 मार्च से दिल्ली में अपनी बेटी के पास रह रहे थे, जिसके बाद लगे लॉकडाउन में पति पत्नी दिल्ली में फंस गए, जिसके बाद 2 जून को पति पत्नी काशीपुर वापस आए, जहां स्वास्थ्य विभाग ने दोनों को होम क्वारंटाइन कर दिया। होम क्वारंटाइन के दौरान महिला की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। प्रशासन ने महिला के शव का कड़ी सुरक्षा के साथ अंतिम संस्कार कराया था, जिसके बाद प्रशासन ने महिला का सैंपल कोरोना की जांच के लिए भेजा था, जिसमें महिला की कोरोना वायरस रिपोर्ट आई है। महिला के कोरोना पॉजिटिव आने से स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया है और आनंद फानन में ITI थाना क्षेत्र के गढ़वाल सभा को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। साथ ही महिला की मौत से पूर्व उसके संपर्क में आए लोगों की जाँच की जा रही है। देखिए, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जो है, उमा देवी नाम की लेडी थी, उनकी कोरोना से जो है मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद उनकी रिपोर्ट आई जिसमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया उन्हें, और उनकी ट्रैवल हिस्ट्री देखते हुए जहां पर वो रहती थी जसपुर खुर्द में, उसके कुछ पोर्शन को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और आज ही उसमें बैरिकेडिंग करके प्रॉपर ड्यूटी लगा के उसमें पूरी व्यवस्था करी गई। देखिए, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री से जो पता चला है, अभी फ़िलहाल उनकी मृत्यु से पहले उनके बेटा बहू और जो रिश्तेदार थे, घर पे 6 लोग थे और मृत्यु के बाद और रिश्तेदारों को आना पाया गया है। तो जैसा कि डॉक्टर द्वारा जानकारी दी गई है, अभी जो मृत्यु से पहले जो लोग उपस्थित थे घर में, उनकी सैंपल लिए जाएंगे और उनके सैंपल के बाद जो है अग्रिम कार्रवाई करी जाएगी। जो पॉजिटिव रिपोर्ट पॉजिटिव या नेगेटिव आती है उसके बाद अग्रिम कार्रवाई करी जाएगी। देखिए, अभी जो कंटेनमेंट जोन का जो SOP होती है, उसमें जितने भी घर चिन्हित होते हैं उसमें आशा कार्यकर्ता के साथ जो है थर्मल स्क्रीनिंग करी जाती है, और अगर इस बीच में किसी को सिम्टम डेवलप होते हैं तो वो डॉक्टर को तुरंत सूचना प्राप्त होती है 112 के माध्यम से, उस पर अग्रिम कार्रवाई करी जाती है।